गोल्डन सुनहरा, गोल्डन फाइबर। अब आपसे पूछेगा, देखो एक चीज ध्यान रखना, हमारा आजादी के बाद, ठीक है, जब हमारा पार्टीशन हुआ है, तो पार्टीशन में सबसे ज्यादा हमारे पास लॉस में अगर कोई इंडस्ट्री गया है तो वो गया है जूट, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट कहाँ चला गया, बांग्लादेश की ओर चला गया मैक्सिमम पार्ट, वो जो जगह जहाँ पर जूट की अच्छी खेती हो सकती है मैक्सिमम पार्ट वहाँ चला गया। तो कहते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास सबसे ज्यादा लॉस में कौन सा इंडस्ट्रीज किया, जूट, और हमारे पास सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज कौन सा था, जूट। पूरा फॉरन में हमारे जूट का मांग था, ठीक है, बहुत ज्यादा इसका, क्योंकि जूट को बहुत तरीके से लोग यूज करते हैं ना। तो कहते हैं कि इस कंडीशन पर फाइनेंस कमीशन ने बोला कि आप कुछ स्टेट में जूट के प्रोडक्शन को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि वो लग रहा है उससे बाउंड्री लग रहा है, लगभग लगभग सेम है। तो किन किन राज्यों में कह रहा है, और जैसे ही ये बात बोले कि आप लगाइए, आप दुखी मन से बोलना अब वो जूट नहीं रहा, ठीक है, फाइनेंस कमीशन किसकी बात कर रहा है, तो वो जूट रहा ही नहीं, क्लियर। अब वो से अपने आप आ गया असम, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, क्लियर है, समझ गए, इन चारों में जूट के प्रोडक्शन को हमने डेवलप कर दिया, क्लियर है। ध्यान रखेंगे इन चारों को, इन चारों स्टेट को जूट से रिलेटेड जो भी पैसे आते हैं, चाहे वो फॉरेन में जाए हमारा, चाहे इंडिया में कुछ भी हो, जूट से रिलेटेड जितने होते हैं, गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं लगता है इसका, जूट का सारा पैसा इन राज्यों को 100% दिया जाता है। जैसे होता है ना कुछ गवर्नमेंट अपना भी तो टैक्स रखता है, इसमें नहीं रखेंगे, समझ गए। चलिए, द कमीशन सबमिट इट्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट विच आर जनरली एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। मैंने आपको अपॉइंट किया है 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद आपको अपना रिपोर्ट किसे दोगे, मुझे ही दोगे, समझ रहे, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, 5 साल के बाद अपना रिपोर्ट किसे देंगे, प्रेसिडेंट।